COP26 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का विश्व को संदेश, कहा भावी पीढ़ियां हमसे उम्मीद लगाकर बैठी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को बताया गंभीर मुद्दा, दुनिया को दिया पंचामृत का मंत्र। पीएम मोदी ग्लासगो में आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। स्विट्जरलैंड, इसराइल, नेपाल, फिनलैंड, मलावी, यूक्रेन, जापान और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों से होगी मुलाकात। बिल गेट्स से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार। कल 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाए आरोप, कहा पंजाब में फ्री चीजें देने वाले से पूछो कि दोगे कहां से। दिल्ली हिंसा के मामले में विधानसभा की शांति और सद्भावना समिति ने फेसबुक इंडिया को जारी किया समन। समिति ने फेसबुक को झूठे और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले मैसेजेस पर पाबंदी लगाने को कहा। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी में मचा बवाल। सीएम योगी ने कहा यही जिन्नावादी सोच वाले लोग राम भक्तों पर चलाते थे गोलियां। देश भर में आज धनतेरस की धूम। शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से रात 8:10 तक रहेगा। सोना चांदी और कारों की बंपर बिक्री होने का अनुमान। दिवाली के लिए श्री राम की अयोध्या नगरी पूरी तरह तैयार। लाखों दियो और की रोशनी से जगमगा रही है अयोध्या। आज रात से शुरू होंगे कई कार्यक्रम। अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। कुल 1,30,927 करोड़ की हुई वसूली। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी मंजूरी। अब बिना रोक टोक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे भारतीय।